ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो जब द्वारका वासियों ने यह देखा कि स्वयं सूर्य देव द्वारका में आए हैं भगवान से मिलने के लिए, असल में सूर्य देव नहीं थे, वो सत्रजीत था जिन्होंने गले में स्यमंतक मणि की माला पहनी हुई थी और उसके प्रभाव के कारण वो सूर्य की भांति चमक रहे थे। इसलिए द्वारका के वासियों ने सोचा कि स्वयं सूर्यदेव कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अनेकों प्रकार की सुंदर भगवान से प्रार्थनाएं की और ये संदेश भगवान को दिया कि आपसे मिलने के लिए सूर्यदेव द्वारका में आए हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, भगवान मुस्कुराने लगे, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सबके हृदय के अंदर में विराजमान है। वो जानते थे कि वो सूर्यदेव नहीं हैं, वो राजा जो है सत्रजीत है, और वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए नहीं आए थे, वो अपना ऐश्वर्य लोगों को दिखाने के लिए आए थे। द्वारका वासियों को वो अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए आए थे। भौतिक संसार में लोग ऐश्वर्य क्यों कमाना चाहते हैं, धन दौलत क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि लोग दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं एक बड़ा बंगलो बनाऊं एक गुफा के अंदर में, जंगल के अंदर में, किसी को बड़ा महल खड़ा करने की कोई जो है उसकी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि वहां पर उसको देखने के लिए कौन आएगा। लेकिन जब हम लोगों के साथ में हैं, समाज में हैं, समाज में हम अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं ताकि बाकी लोग हमारी प्रशंसा कर सकें। तो इस प्रकार का भौतिकतावाद में डूबा हुआ सत्रजीत भी इसी कारण द्वारका में गया था। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम भगवान के धाम को जाएं, मथुरा जाएं, द्वारका जाएं, इस प्रकार की भौतिक मानसिक परिस्थिति के साथ हमें जो है तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान के धाम, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की लीला सुनने के लिए, भगवान के विषय में समझने के लिए जाना चाहिए। और ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, सत्रजीत जो है उसके लिए नहीं आया था, भगवान के दर्शन करने नहीं आया था, वो अपना ऐश्वर्य लोगों को दिखाने के लिए आया था। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, तो भगवान ने कहा कि नहीं, वो सत्रजीत है, वो सूर्यदेव नहीं है। और उसके बाद में सत्रजीत से उन्होंने कहा कि हे सत्रजीत, ये स्यमंतक मणि जो है, हमें अपने राजा उग्रसेन को, जो हमारे सबके सम्राट हैं, उनको उपहार में, उनको भेंट में देना चाहिए। हम जितने भी नागरिक हैं, सबसे जो बहुमूल्य वस्तु है, हमें अपने राजा को प्रदान करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ये उनको सिखाना चाहते थे। लेकिन सत्रजीत जो है इस समंतक मणि से इतना आसक्त था कि उसने भगवान के इस जो है, भगवान ने जो उससे कहा, इस प्रकार से निवेदन किया, उस निवेदन को भी उसने ठुकरा दिया। भगवान का ही सब कुछ है, फिर भी भगवान जो है प्रेम पूर्वक उससे निवेदन कर रहे हैं कि तुम ये स्यमंतक मणि मुझे दे दो और मैं इसे जो है उग्रसेन राजा को भेंट करूंगा। लेकिन वो जो है वो भी उसने अपने तरफ से ठुकरा दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका कारण क्या था, इस मणि के अंदर में ऐसा क्या था कि ये सत्रजीत जो है
इतना आसक्त था इस मणि के द्वारा, इसने यहां तक ऐसा किया कि समंतक मणि के लिए एक उसने मंदिर बनवाया। देखिए यहां पर भी हम देख सकते हैं भौतिकतावाद में डूबा हुआ व्यक्ति जो है भगवान की उपासना करने की जगह भौतिक वस्तुओं की उपासना करता है। ये भौतिक संसार में हम देख सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में बताया है इस प्रकार के लोग अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, जो देवताओं की उपासना करते हैं, प्रेतों की उपासना करते हैं, पिशाचों की उपासना करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं भगवान की उपासना करनी छोड़ करके उसने इस समंतक मणि के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया, उसमें ब्राह्मणों को लगाया इसकी पूजा करने के लिए। उसके द्वारा उसको क्या फल मिलता था? उसको ये फल मिलता था, इस समंतक मणि की इस प्रकार से पूजा करने से रोज 170 पौंड उसको जो है स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती थी। उस प्रकार से जो है इतने स्वर्ण हासिल करने के कारण, इतना सोना उसको मिलता था, इसके कारण जो है इसकी उपासना में लगा था, इसकी पूजा में लगा था। पुराणों में यह भी बताया गया है कि जब वो उसकी इस प्रकार से उपासना करता था उसके कारण क्या होता था, इसके राज्य के अंदर में प्राकृतिक जैसे बाढ़ हो गई, बीमारियां हो गई, जैसे आजकल हम देखते हैं हैजा फैल जाता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है महामारी जिसे कहते हैं जो फैलती है, अनेकों लोग जो है उसके कारण मर जाते हैं। तो इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार के प्राकृतिक जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, बाढ़ हो गई, वो भी जो है उसके राज्य में नहीं आते थे। तो इसके कारण जो है अत्यंत आसक्त था और रोज उसे जो है 170 पौंड सोना मिल रहा है, तो भला वो कृष्ण भगवान की उपासना क्यों करे, वो तो समंतक मणि की उपासना करेगा। और भगवान जब उससे कह रहे हैं कि समंतक मुनि मुझे दे दो, तब भी जो उसने भगवान को नहीं दिया। इसका यही कारण था, क्योंकि व्यक्ति जो है जब लोभ के कारण, जब अनेकों प्रकार से काम वासनाओं के द्वारा प्रेरित हो जाता है, तब भगवान की उपासनाओं को भूल जाता है, इस संसार में भौतिक चीजों की उपासना करता है जिसके द्वारा वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके। ये भौतिक गुणों के लक्षण हैं, ये असुरों के इस प्रकार के लक्षण होते हैं। आगे क्या हुआ? इस प्रकार से उसने भगवान का निवेदन तो ठुकरा दिया। इसका भाई एक बार, इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन, सत्रजीत का भाई था, वो भी जिस प्रकार से सत्रजीत इस मणि को पहन करके दिखावा करता था, उसने भी एक दिन अपने गले के अंदर में ये मणि डाल ली, समंतक मणि डाल ली, और पूरे राज्य में घूमने लगा। तो उसको तो दिखाना था लोगों को, लोग जो है वाह वाह करते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे वो जंगल की तरफ निकल गया। तो जंगल में जब ये उसका भाई प्रसेन इस प्रकार से निकल गया, वहां पर क्या हुआ, एक शेर के साथ में उसकी भिड़ंत हो गई। वहां पर एक जंगली शेर था, उस जंगली शेर ने इसके घोड़े को भी मार दिया प्रसेन के, और प्रसेन का जो है उसको भी वहां पर मार गिराया, सत्रजीत का जो छोटा भाई था उसको भी वहां पर मार गिराया। और उसके बाद में इस सिंह ने क्या किया, इस शेर ने क्या किया, उसका जो मणि था, समंतक मणि जो उसके हार में था, उसको लेकर के अपनी गुफा के अंदर में चला गया। तो गुफा में जाने के पश्चात में उस जंगल के अंदर में गोरिल्लों का एक राजा था जांबवंत। तो हमने सबने जांबवंत का नाम सुना है, राम भगवान की लीलाओं के समय से जांबवंत जो है भगवान राम का महान भक्त था। तो जांबवंत जो है उसको इस समंतक मणि से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सुना था, उसकी जो है किसी न किसी प्रकार से उसके कान में एक खबर पड़ी कि इस गुफा के अंदर में एक शेर है जिसने उस सत्रजीत के भाई को मार करके समंतक मणि को चुरा लिया है और वो अब उस गुफा के अंदर में है। तो जांबवंत वहां पर गए और बिना किसी हथियार के उन्होंने जो है शेर का वध कर दिया और समंतक मणि वो लेकर के चले गए।
तो वो जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको इन भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके लिए ये सबसे बहुमूल्य नहीं है। उनके लिए भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान की प्रार्थनाएं, भगवान की भक्ति, वो अत्यंत बहुमूल्य होती है। इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जांबवंत ने क्या किया, एक खिलौने के बराबर इस समंतक मणि को अपने बेटे को सौंप दिया और उसका बेटा जो है समंतक मणि से खिलौने की तरह खेलता था। तो इस प्रसंग में एक बड़ी सुंदर मुझे जो है एक कथा याद आती है जो भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का भक्त जो है भौतिक इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से इतना आसक्त नहीं होता है। तो ये कथा इस प्रकार से है। एक बार एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। तो ये गरीब ब्राह्मण जो है हमेशा सोचता था कि मैं बड़ी जो हूँ इस प्रकार की दशा में हूँ, खाने पीने के लिए भी मेरे को जो है लाले पड़ते हैं। तो उसने जो है शिव जी की उपासना की और शिव जी हम जानते हैं कि जिनको भोलेनाथ भी कहते हैं, बड़ी जल्दी जो है हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने शिव जी को संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट करने के बाद में भोलेनाथ ने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है आप ऐसा वरदान दो, इस प्रकार का आप मुझे वरदान दो जिसके द्वारा मेरी जो है जितनी भी मैं इस गरीब जो इस अवस्था में मैं गुजर रहा हूँ इन सब से मैं दूर रह सकूँ, मेरे पास में ऐश्वर्य रहे। सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है आप मुझे प्रदान कीजिए। तो शिवजी तो जानते थे कि ये व्यक्ति जो है भौतिकतावाद में डूबा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो मैं तो वो वस्तु तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, वृंदावन में जाओ, वहाँ पर एक भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास में जाओ, उनकी कुटिया में जाओ, वो तुमको सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान करेगा। तो ये ब्राह्मण खुश होकर के जो है वहाँ पर गया और सनातन गोस्वामी जो है एक छोटी सी कुटिया में भगवान के भजन में लगे हुए थे। तो उनके पास में जाकर के वो कहते हैं कि शिवजी भगवान ने मुझे भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपके पास से मुझे जो है अत्यंत बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति होगी, कृपा करके आप वो मुझे बहुमूल्य वस्तु प्रदान कीजिए। तो सनातन गोस्वामी तो समझ गए कि बहुमूल्य वस्तु मतलब ये क्या चाहता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मेरा जो वो कचरे का डब्बा पड़ा है उस कचरे के डब्बे के अंदर में तुम्हारी सबसे बहुमूल्य वस्तु जो तुम चाहते हो उसमें मिलेगी। तो उसने जाकर के जो है उसमें खोजा और ढूंढने के पश्चात उसमें जो है उसे पारस मणि मिल गई। जिस प्रकार से समंतक मणि थी ना, इसी प्रकार से पारस मणि मिल गई। इस पारस मणि से क्या होता था, किसी भी चीज को छुओ तो वो सोना बन जाता था। तो उसको लेकर के बड़ा खुश हो गया कि भाई अब तो मेरी तो जीवन बन गया, अब तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब सोना ही सोना मेरे जीवन के अंदर में रहेगा, सब जगह मेरे को स्वर्ण मिल सकता है, इतनी बहुमूल्य चीज मिल गई। लेकिन जब वो घर की तरफ जा रहा था उसके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगा कि भाई अगर यही सबसे बहुमूल्य वस्तु होती तो भला सनातन गोस्वामी कचड़े के डब्बे में क्यों डाल के रखते, अपने डस्टबिन में कौन रखता है इतनी बहुमूल्य वस्तु को। हो सकता है मुझसे उन्होंने छल किया है, सबसे बहुमूल्य वस्तु नहीं दी है, दोबारा मैं उनके पास में जाता हूं। तो दोबारा जो है वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास में गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे कृपा करके बहुमूल्य वस्तु प्रदान कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे अत्यंत बहुमूल्य वस्तु प्रदान की है, क्योंकि आपने ये कचड़े के डब्बे से मुझे प्रदान की है। मैं चाहता हूं सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है आप मुझे प्रदान कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले ये पारस मणि को ले, इस पत्थर को लो और जाकर के यमुना नदी में फेंक करके आ जाओ। तो यमुना नदी में वो फेंक करके आया। फेंक करके आने के बाद में अब वो सनातन गोस्वामी के पास में बैठ गए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, अब मैं तुम्हें सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान करता हूं। और तब सनातन गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण के जो महामंत्र के नाम से इस ब्राह्मण को दीक्षित किया और उनसे कहा
कि यही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। वेदों में बताया है, पद्म पुराण में भी कहा है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम क्या है, वो भी पारस मणि है, वो भी चिंतामणि है। जिस प्रकार से उसके पास में वो पारस मणि था, भगवान का नाम जप करने से उसके अंदर में इतनी महानता है। हम भागवत की कथाओं में देखेंगे, अजामिल जैसा दुष्ट व्यक्ति जब उसने मरने के समय में भगवान के नाम का जप किया, इस पारस मणि भगवान के नाम का जब जप किया, सबसे बड़े संकट से जो है वो छूट सका। उसकी मृत्यु निश्चित थी, भगवान ने अपने विष्णु दूतों को भेजा और विष्णु दूतों ने यम दूतों के साथ में वार्तालाप करके यम दूतों को खदेड़ दिया और बाद में अजामिल को दोबारा दूसरा जीवन प्रदान किया, जिसके द्वारा भगवान की भक्ति में वो दोबारा लग सके। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, उससे बड़ा पारस मणि कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से जांबवंत को तो सब ज्ञान था, इसलिए उसने जो है ये समंतक मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए वहां पर प्रदान की हुई थी। लेकिन क्या हुआ इसके साथ साथ में, अब उसका जो भाई था सत्रजीत, उसने सोचा, उसको ये ज्ञान नहीं था कि मेरा भाई जंगल में शेर के द्वारा मारा गया और उसका समंतक मणि जो है जांबवंत लेकर के चला गया। उसने सोचा कृष्ण ने मुझसे ये मणि पूछी थी, हो ना हो कुछ ना कुछ चालाकी करके कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है और समंतक मणि चोरी कर ली है। और इस प्रकार की अफवाह जो है उसने सारे द्वारका नगर में फैला दी। अब भगवान के ऊपर ये कलंक उठने लगा। अब भगवान आगे इस कलंक को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।